मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप अपने घर में बहुत अच्छे। स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में आपका। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 10:15 बजे, और क्योंकि आज मैं हो गई हूँ रेडी। आपको पता है मैं क्यों हुई आज है संडे, तो मैं जा रही हूँ मीटिंग पे, तो उसके लिए हुई हूँ रेडी। तो मैंने सोचा थोड़ा आपसे बातचीत कर लूँ। और सुनाइए, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक हो? आज संडे है तो आप लोगों का एंजॉय का दिन होगा, तो एंजॉय कीजिए संडे को। और बताइए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे? ये दो दिन का जो ब्लॉग था ना, वो मैंने दोनों दिन जो जो एंजॉय किया मैंने डाल दिया है। और दोस्तों, आज मैंने फिर से वही कुर्ती धो के ना अच्छे से वॉश करके, कंफर्ट में वॉश करके मैंने फिर से डाल ली है। और ये कुर्ती इसलिए डाल ली क्योंकि आज मैंने सुना है 45 तक टेम्परेचर जाने वाला है। तो मुझे पता है कि अगर 45 तक टेम्परेचर चला गया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और कपड़े डाले नहीं जाएंगे। तो ये जो कुर्ती है बड़ी ही सॉफ्ट और प्योर कॉटन की है, तो इसलिए इसमें गर्मी नहीं लगती। तो मैंने इसलिए ये वाली डाल ली आज, तो इसमें बहुत कंफर्ट हूँ मैं। तो ये है ना, ये ब्रूनो देख रहा है। ब्रूनो ऐसे देखता है जब सारे रेडी हो जाते हैं ना, तो ब्रूनो देखता है। ब्रूनो ब्रूनो ये देखिए बाहर की ओर देख रहा है। ब्रूनो क्या हुआ क्या हुआ? तो ये ऐसे देखता है क्योंकि इसे ना होता है भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए ये ऐसे देखता रहता है। तो दोस्तों चलिए थोड़ी देर में करती हूँ आपसे बात, थोड़ी देर में नहीं बल्कि आके करती हूँ आपसे बात, क्योंकि अभी 3-4 बजे फ्री होंगी, फिर आपसे बातचीत होगी। तो आज का दिन तो आधा मेरा ऐसे ही निकल जाएगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज़। तो चलिए थोड़े टाइम में करते हैं बात, आकर वापस आ गए हैं दोस्तों हम घर पे वापस। और बज चुके हैं आज 2 बजे फ्री हो गए हम लोग। आपको नहीं नजर आएगा, छोटा है उल्टा नजर आएगा आपको। तो 2 बज चुके हैं तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, और यहाँ पे बन रहे हैं राइस। मैंने रीबिका को थोड़ा सा पहले भेज दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी भूख, तो मैंने कहा कि चलो टाइम से खाना खा लेंगे हम लोग। तो ये पागल लड़की कुछ भी और धीरे धीरे कुछ भी। तो बहुत अच्छा तड़का लगा रही, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, पर ये खांसी की दिलवा रही है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा करते हैं रेस्ट वेस्ट, और अभी तो बोला नहीं जा रहा, थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपसे करती हूँ बात। देखते हैं अब दिन तो घर पे ही निकलेंगे भाई, अब तो घर पे ही आएंगे। तो चलिए थोड़ा टाइम वेट कीजिएगा, खाना वाना खा लें, रेस्ट कर लें, शाम को करते हैं। यहाँ पे पीने लगी हूँ मैं चाय, तो ये देखिए आ गई है मेरी चाय, और इधर ब्रूनो भी कुछ कर। ब्रूनो तो रात के बज चुके हैं 10 और मैं खाने लगी रात का खाना। तो खाना आज बनाया आलू बैंगन की सब्जी, और साथ में थोड़े से राइस और चपाती दोनों बनाए। तो चले दोस्तों खाना खा लेते हैं, और आज के ब्लॉग को करती यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए दिन में और नई शुरुआत में। और बने रहिएगा मेरे साथ स्माइली ब्लॉग के साथ, स्माइली चैनल के साथ, और हर ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरी शॉर्ट वीडियो को भी आप लाइक और शेयर करते रहिएगा प्लीज़। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? होप करती हूँ अपने घर में बहुत अच्छे। स्वागत है आज के दूसरे ब्लॉग में आपका। तो हम खाने लगे खाना, अभी हो गए हैं फ्रेश, और बच्चे भी खाने लगे हैं, हम लोग बैठ गए हैं। और मेरी आ गई कच्ची लस्सी, जैसे कि आपको पता है मैं लस्सी पीती हूँ रोटी के साथ सुबह सुबह, तो मेरी लस्सी हो गई है रेडी। तो चलिए खाना खा लेते हैं और करते हैं फिर बाद में बात। आज एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैं आज करूँगी, है तो वो छोटी सी पर आपके काम आने वाली, आपका फ़ायदा करने वाली वो चीज़ है। तो चलिए थोड़ी देर में बताती हूँ कि क्या करने वाली हूँ आज मैं। तो आज का जेड़ा आज का जो मेरा आज का जो मेरा ना मेन वो टॉपिक है वो यही है, क्योंकि मैंने एक हैक देखा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और सिंपल सा हैक है और आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है ना कि नुकसान हो जाता है, हमारा पैसों का नुकसान हो जाता है, तो पैसों का नुकसान उससे नहीं होगा। तो चलिए थोड़ी देर में करती हूँ आपसे बात, फिर बताती हूँ कैसे आपके पैसे बच सकते हैं, आपका नुकसान नहीं हो सकता है। तो उधर देख लीजिए ब्रूनो भी बैठा है, तो ये आराम से बैठ के देख रहा है। ब्रूनो क्या खाना है? रोटी खानी है, चीजी खानी है, चीजी खानी है? तो ये ऐसे देख रहा है, पता नहीं क्या है, मतलब इसे खोलने का है, इसे खोल दो, पर खोल नहीं रही हूँ अभी मैं, इसका टाइम नहीं हुआ अभी खोलने का। तो चलिए बाय बाय बोल दो, बाय।
तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है किचन की सफाई, यानी कि डीप क्लिनजिंग जो होती है ना वो हो रही है। तो बर्तन हो चुके हैं साफ और यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर दी है। ये वाली जो मतलब ये क्या रैक है ना, तो ये वाला रैक जो है ना इधर लगा हुआ था पहले इधर, पर अभी हमने कर दिया इधर। ये दीपिका की ही प्लानिंग है, इधर रख दिया है, नीचे वो पतीला रख दिया है। इसमें हमारा जब लंगर खाना वगैरह पकता है ना तो इसमें ही पकता है। तो ये वाली बास्केट धो के जो उधर रखी हुई थी ना रैक वाली जगह पे, ये धो के इधर रख दिया क्योंकि इसमें रखेंगे अभी बर्तन। इसकी आइडिया है, इसमें बर्तन रख देंगे। तो ये देखिए इसमें सारे डिब्बे वगैरह जो हैं अच्छे से लगा दिए हैं। ये लिफाफे में क्या है, ऐसे वाले लिफाफे मत रख यार, अच्छे नहीं लगते, सिर्फ डिब्बे डिब्बे। तो ये देखिए डिब्बे, और इसमें भी ये तो खाली हो गया ना घी वाला डिब्बा है, खाली है तो इसे इसे कुछ छोड़ना, इसे खाली वाले के क्यों रखना है। तो ये आ गए, ये अचार, ये है अचार वाला, और ये मिक्स अचार, ये मैंगो का अचार, और इसमें हम डालडा घी जो होता है ना वो डालते हैं, और ये है चाय पत्ती, और ये है चीनी वाला ऊपर छोटे मोटे जो होते हैं, और ये रख दिया यहाँ पे पतीला, और यहाँ पे जो है ना ये भी क्लीन कर दी गई है फ्रिज, देख लीजिए। यहाँ इसमें वाटर बॉटल्स पूरी आ रहती हैं मेरी ना, ये वाली नेट जो है ना ये टूट गई है फ्रिज की एक दो, तो एक ही नेट है ना, तो एक ही नेट बची है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बॉटल्स रखनी ज़रूरी समझती क्योंकि पानी के बिना आजकल गुजारा नहीं होता है। तो इसमें बॉक्स में भी ये जो सामान है ना, ये एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा, ये सॉस वगैरह, ये स्कैश वगैरह, ये बस ये पड़ी हुई है। स्कैश इसलिए ली थी क्योंकि हम मीटिंग करते हैं तो उसके बाद ना लोग खाते हैं ना पानी पीते हैं ये वाला, तो वो लेके आए थे तो वो पड़ी हुई है। तो बस इधर हैं बर्तन हो चुके हैं, तो ये सामने अभी नीचे ये सारा पड़ा हुआ है। इधर वाली स्लैब जो है ये साफ होने वाली बाकी है अभी, है ना, ये बाकी है। तो ये इसने आज निकाल दिया है पूरा गुस्सा किचन के ऊपर, पता नहीं कौन सा गुस्सा था इसे, है गुस्सा था। ये कितनी पड़ी है यार, कुछ बना ले, हाँ गुस्सा था, नहीं वैसे ही कर दी। तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये जो सेटिंग है अच्छी लग रही है, आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा मुझे, और यहाँ पे जब पूरा क्लीन होगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई है हमारी सफाई। मैं पहले लाइट ऑन कर दी, लाइट मैंने कर दी गलती से, हो तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये वाले दो मग ना, ये हैंडल टूट गए थे इसके, तो हमने सोचा भी ये क्यों वेस्ट करने हैं, तो चलो इसमें ना ये चम्मच वगैरह स्पून वगैरह हमने रख लिए, और इसका भी हैंडल टूट गया था, ये कड़छी वगैरह रखने के काम आ गया है। तो यहाँ पे बर्तन जो सूख गए हैं ना इस बास्केट में डाल दिए हैं, और जो गीले बर्तन है यहाँ पे डाल दिए गए हैं। अब ये बर्तन जो पूरी तरह से सूखे हैं ना वही इसमें अंदर है क्योंकि इसके ऊपर से पानी आ जाता है। तो ये पूरी हो चुकी है यहाँ की साफ सफाइयाँ देख लीजिए, और ये जो है फ्रिज बिल्कुल क्लीन है। ये सुई धागा मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ मतलब पड़ा मिलेगा पंजाबियों के फ्रिज के ऊपर। तो ये आपको कैसी लगी सफाई, और नीचे से भी हो गई है, और ऊपर वाला जो है हिस्सा ना वो क्लीन करने वाला है, वो भी किसी दिन करेंगे, पर ये वाला तो कर दिया आज। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाली हूँ, सुबह मैंने जब ब्लॉग की शुरुआत की थी ना तो सबसे पहले बता दूं हमने सब्जी बनाई है भिंडी की आज, क्योंकि बन रही है तो आप लोग देख रहे होंगे क्या बन रहा है, तो बता देती हूँ क्योंकि आदत बन गई ना आपको बताना। अब तो दोस्तों सुबह मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत ऐसे की थी कि मैं बताने वाली थी कि आपके बहुत सारे पैसे जब वेस्ट होते हैं तो वो पैसों को आप कैसे बचा सकते हो, कैसे आपका पैसे का लॉस नहीं हो सकता, कैसे आपके पैसे बच सकते हैं। तो मैं आज आपको ऐसा हैक बताऊंगी जिससे कि आपके पैसे जो है वो बच सकते हैं। हर कोई चाहता है कि वो पैसे अपने सेफ रखे, और जो पैसे मतलब ऐसे हो जाते हैं ना, वेस्टेड हो जाते हैं, मतलब समझोगे अभी अब हैक देखने के बाद, तो वो वेस्टेड ना हो आपकी मनी, ऐसा एक हैक, ऐसा एक एग्जांपल आज मैं आपको देने जा रही हूँ, आपके पैसे की बचत हो सकती है। तो चले चलते हैं हैक की तरफ, क्या करना है क्या नहीं करना देख लेते हैं। बहुत सारे नोट जो हमारे पास
हमारे पर्स की जिप के अंदर आ जाते हैं, फट जाते हैं, बच्चा कोई फाड़ देता है, बहुत सारे नोट जो होते हैं ऐसे हमारे फट जाते हैं। जैसे कि मेरा ये 10 का नोट फटा हुआ है, देख लीजिए, ये दोनों साइड से फटा हुआ नोट है। तो अभी ये मेरे किसी काम का नहीं है। आप लोगों के पास भी बहुत सारे नोट ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि अभी चलेंगे नहीं, तो फेंक देते होंगे या बच्चों को खेलने के लिए दे देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। इस पैसे को, मतलब इन 10 रुपीज को मैं बचा सकती हूँ और इन्हें सेव कर सकती हूँ। कैसे, चलिए बता देती हूँ अब मैं आपको। हमें क्या करना है, हमें लेनी है सिर्फ कैंडल, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमें एक कैंडल ले लेनी है जो आम शॉप से मिल जाती है। अभी जरूरत तो हमें पड़ती नहीं है कैंडल्स की, क्योंकि सबके घरों में आजकल इन्वर्टर चल रहे हैं, तो कैंडल्स की जरूरत नहीं है। तो मैंने ना कैंडल्स को मंगवा लिया है, मैं बहुत टाइम के बाद कैंडल्स को देख रही हूँ, तो अच्छी लग रही है। तो कैंडल्स ले लिए और मैंने ले लिया माचिस। क्या करना है अभी बताती हूँ। इसमें ना एक प्लेट रख लेती हूँ मैं नीचे, क्योंकि ना यहाँ पे नीचे प्लास्टिक कवर है तो ये जल जाएगा। क्या करना है आपको, पहले कैंडल को जला लेना है। दोस्तों यहाँ से देखिएगा, आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। मैं भी आपके सामने ये पहली बार ही कर रही हूँ, मैंने पहले नहीं किया। मैंने अभी देखा थोड़े टाइम पहले, थोड़े दिन पहले, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आपको ना ये जो मोम जो निकल रही ना, आपको पैसों के ऊपर ऐसे डाल देनी है, मोम को डालना है अच्छे से। अभी तो डल नहीं रही है क्योंकि पिघल नहीं रही जल्दी से। हाँ जी, अब हो गया है। तो जल्दी जल्दी हो जा भाई, जल्दी जल्दी हो जा। हाँ, हाँ जी, तो हो गया। तो देख लेते हैं अभी इस हैक को आजमा के कि ये हैक कितना काम करता है और कितना पैसा हमारा जो है बचता। वाओ, तो दोस्तों आप देख सकते हो नोट पूरा जुड़ चुका है। ये जो एक्स्ट्रा मोम है हम इसे निकाल लेते हैं। वाओ, बहुत अच्छा हो गया। तो ये नोट पूरा जुड़ गया, आप देख रहे हो ये पूरा जुड़ चुका है नोट। आजा, तो ये जो नोट है ना, ये दोनों तरफ आप देख लीजिए और मैं ऐसे भी करके दिखा देती हूँ, ये पूरी तरह से जुड़ चुका है। तो ऐसे आप अपने पैसों की जो वेस्टिंग है उसे बचा सकते हो। जो फट जाते हैं नोट, अक्सर लेडीज के पर्स के अंदर, जिप के अंदर आ जाते हैं नोट तो फट जाते हैं। तो मैंने ये एक्स्ट्रा मोम जो है वो साइड से निकाल दी है पूरी तरह से, और ये अब खर्चने के लायक हो चुका है। ये हम खर्च सकते हैं, नोट चाहे 10 का है, 500 का है, कितना भी बड़ा नोट है। तो ये भूखा मांग रहा है, ये जो है ना, ये मांग रहा है कि मम्मा नया बन गया दे दो खर्चने के लिए। बेटा बीच में क्यों आ रहा है तू? तो अभी मैं इसे दे दूंगी क्योंकि ये 10 रुपीज जो है ये जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अपने पैसों का सेव कर सकते हैं। मैं ऐसे हैक लेके आती हूँ जो सक्सेसफुल है और जो आपके बड़े काम आने वाले हैक है। तो प्लीज मेरे ब्लॉग को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब लोगों की ये घर की कहानी है। नोट फटते हैं तो फेंक देते हैं, पर आज से फेंकना नहीं है दोस्तों। ऐसे ही अपने इस हैक को यूज करना है। 5-10 रुपए की कैंडल है बस, और कुछ नहीं करना है। 500 रुपए की बचत, 1000 की बचत, 2000 की बचत आपकी हो सकती है। खैर कुछ तो नोट भी नहीं आ रहे हैं, पर मैंने 10 के ऊपर आपको एग्जाम्पल दे दी है। और 10 जो नोट है ये देखिए, पूरा देख लीजिए, ये नया का नया बन चुका है। अब ये जा सकता है मार्केट में, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हैक देखने के लिए, किचन के या फिर घर के घरेलू नुस्खे देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं थोड़े समय के बाद। तो बज चुके हैं रात के 10 और खाने लगे हम लोग खाना। खाना आज बनाइए भिंडी की सब्जी, जैसे मैंने बता दिया है। और मैंने ना इसके ऊपर छोटा छोटा प्याज किया है कट मिर्ची के ऊपर, और साथ में है लस्सी का गिलास। और कुछ नहीं, अभी खाएंगे तो सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं ये भी ख़त्म। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है। तो चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई होप के साथ। और बने रहिएगा स्माइली ब्लॉग के साथ मेरे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो शॉर्ट हो या ब्लॉग हो सबसे पहले आपको मिलने पाए। और कमेंट अच्छे अच्छे कीजिएगा। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, साथ रहिए, गुड नाइट।